नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। अगर आप हमारी खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। रजपुरा में रंजसन तीन लोगों पर धारदार हथियार से किया गया हमला, महिला की हुई मौत, दो बच्चे घायल। बड़ा मलहरा पुलिस अनुभाग के गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा में रंजिश के चलते तीन आरोपियों ने महिला एवं उसके दो बच्चों के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई जबकि उसके दो बच्चे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक महिला के पति हरलाल यादव निवासी रजपुरा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उसकी चाचा राजाराम यादव से रंजिश चलती है, जिसको लेकर सोमवार की रात्रि राजाराम यादव, कन्हैयालाल यादव व परीक्षित यादव ने घर में घुसकर उसकी पत्नी गीता यादव 27 साल, पुत्र टिंकू यादव 4 साल व 8 माह की पुत्री प्रेमजी यादव के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। जिसमें हमले में गंभीर घायल पुत्र पुत्री को डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस थाना गुलगंज ने रिपोर्ट पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या घटना हो गई सर? घर में घुस के मार दिया रात के। किसने? राजा राम कन्हई भाई। ये उन्हीं के घर के थी कि कोई और था? ना, हमारे जो हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी को? जी सर। और किसके पीस पे हमला किया सर? हमारी पत्नी ने पत्नी पे किया सर। और बच्चों को भी मारा? बच्चा को भी सर मारा, गर्दन आदि काट दी, बच्ची की भी गर्दन काट दी। साथ में तो जिंदा है कभी घायल सर? वो भी जिंदा है अभी सर।